हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबेल डेडलिफ्ट। इसे परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको बारबेल के नज़दीक आना है और डेडलिफ्ट ग्रिप लेनी है। जब आप बारबेल को पुल करोगे, बैक को आर्च रखना है और नीचे जाते वक्त नी को स्लाइडली बेंड करना है। अपने अकॉर्डिंग वेट लगा सकते हैं जितना आप पुल कर सकते हैं, ज़्यादा हीवी मत ट्राई करिए। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो ध्यान से हर रेप को फील करके वर्क करना है, ना कि सिर्फ रेपिटेशन कंप्लीट करना है। इससे सिर्फ डेडलिफ्ट कंप्लीट होगी, हबे मसल में जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं मिलेगी। डेडलिफ्ट परफॉर्म करते वक्त ग्लूट को आगे पुश करना है, बैक को अर्ज करना है और बैक के दोनों भी लेफ्ट राइट मसल्स को स्क्वीज करना है। और ये बहुत ध्यान से करिए। जब हम ऐसा करेंगे तब हमारे बैक में हमें फीलिंग आएगी कि हम डेडलिफ्ट मार रहे हैं। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है डंबल डेडलिफ्ट। इस एक्सरसाइज को भी बारबेल डेडलिफ्ट की तरह ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसमें दोनों हाथ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, इसलिए मोशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से होने के चांसेस हैं। इसे भी परफॉर्म करते वक्त आपको बैक आर्च रखना है, नीचे जाते वक्त नी को बेंड करना है और ऊपर आते वक्त बैक को आर्च ही रखना है। आपने जिम में देखा ही होगा कि बहुत से लोग बहुत हेवी मारते हैं जिससे मोशन काफ़ी ख़राब हो जाता है। सो प्लीज़ आप उतना ही वेट ट्राई करिए जितना आप पुल कर सकते हैं और प्रॉपर मारने की कोशिश करें। जब मैंने इस एक्सरसाइज को डंबल से परफॉर्म किया, जब मैंने बैक को आर्च किया और मसल को स्क्वीज किया तो मुझे बारबेल से ज़्यादा इफेक्टिव महसूस हुआ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज है इंक्लाइन सपोर्टेड केबल पुल ओवर। इसे परफॉर्म करते वक्त आपको चेस्ट अप रखना है और आर्म्स को स्ट्रेट। जब आप केबल को पुल करोगे तो मसल को स्क्वीज करिए और छोड़ते वक्त ध्यान से स्ट्रेच करिए। हर रेपिटेशन को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ आपको परफॉर्म करना है। अगर आप रेंज ऑफ मोशन के साथ चीटिंग करेंगे तो सिर्फ आप वेट को पुल करेंगे, जिसका कोई भी फायदा नहीं। हम सिर्फ वेट को पुल कर रहे हैं और मसल तो हमारे ग्रोथ हो ही नहीं रहे। इसलिए परफॉर्म करते वक्त ध्यान से परफॉर्म करिए और एक्सरसाइज का पूरा फायदा उठाइए। और हमारी आखिरी एक्सरसाइज है डंबल पुल ओवर। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त हमें चेस्ट को अप रखना है और आर्म्स को स्ट्रेट रखना है। जब हम डंबल को ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो मसल को स्क्वीज करना है और नीचे जाते हुए उसे अच्छे से स्ट्रेच कर। एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त हमको स्ट्रेट रख के रेंज ऑफ मोशन का भी ध्यान रखें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।